हाँ थी तू व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी? मैं घर पे थी, तू गायब था। लग रही है यार धूप में। पूछे जा रहे हैं कि मैसेज करे जा रही है सुविधा सिंह लेके आ रही है, और नहीं हो पा रहा था। दो तीन बार भी ट्राइड कि व्लॉग बनाए, बट क्या होता था कि हम स्टार्ट करते थे और हम लेट जाते थे और फिर बाकी काम रह जाते थे। मतलब व्लॉग बनाने के चक्कर में बाकी काम रह रहे थे तो हम बिजी थे, मतलब हमारा बैठ के ज़्यादा काम था तो हम व्लॉग नहीं बना पाए। बट येस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी थिंक कि हम व्लॉग बनाने वाले हैं रेगुलर, सो स्टे ट्यून फॉर व्लॉग्स। एंड ऑल्सो इसके कपड़े देख लो, सर्कस में जा रही है। अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बॉडी पे, ठीक है? आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। टाइम हर एक के पास होता है, हर एक का बंदा टाइम निकाल सकता है, बट वो उसकी प्रायोरिटीज होती है, ठीक है? तो वो क्या चीज़ ज़्यादा करना प्रेफर करता है उस पर डिपेंड है, बट मेरे हिसाब से आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। एट द एंड आपकी बेस हेल्थ ही होती है। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं, ना अच्छा काम कर पाओगे आप, ठीक है, ना अच्छी जॉब कर पाओगे, ना अच्छी सोच पाओगे, ना अच्छी सो पाओगे। Exactly. So, पहले अपनी हेल्थ पे काम करो, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। Health is wealth. चलो। मेरे बालों को आज फिर से इग्नोर करियो कि आज मैं नहा के नहीं जा रहा हूँ, और ये भी नहा के नहीं जा रही जो बहुत आपको दिख रही है ना गोरी चिट्टी, कोई नहीं नहाई नुई है। दूसरी बात ये है कि कल हमने एक स्टेटस डाला था, वो आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो। हमने एक घर ले लिया है, बट अभी वो हमें मिला नहीं है, मिलेगा दो महीने बाद। पोजीशन लेट है, इसलिए हम सोच रहे थे कि बाद में बताएंगे आराम से, क्या बीच में पहले ही खिचड़ी पकाएं, है ना? तो आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे, और हम इन्हीं कामों में बिजी थे, घर के ही कामों में, तो फिर इसलिए हम व्लॉग भी बीच में शूट नहीं कर पा रहे थे। बट यस, आपको जल्दी ही पता लग जाएगा, हम आपको दिखा देंगे कैसा है। और हमें दो महीने बाद, तीन महीने बाद मिलेगा, तो हम आपको सीधा उसी डेट के दिखाएंगे। हम बार बार वीडियो नहीं बनाएंगे, आज उनकी कॉल आई, आज कागज पूरे हो गए, आज ये हो गया, नहीं, जब बनेगा तब हम बिल्कुल लास्ट में एक वीडियो डालेंगे। हाँ, ताकि बाकी समझने वाले समझ गए, बाकी इंटीरियर विंटीरियर सब बढ़िया हम करने वाले हैं, खुद ही करेंगे, आई थिंक खुद ही करेंगे ना। यस yes. तो हम खुद ही करेंगे डिजाइन, हम जो सामान, जो भी ए टू जी, जो भी चीजें भी लेके आएंगे ना, हम सब एक एक चीज आपको दिखाएंगे कैसे डिजाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली सब कुछ, है ना? हाँ। जो भी हम कारपेट वायरपेट जो भी यूज करेंगे, सबका पैसे बजट भी बताएंगे आपको कि क्या हम, हाँ, कितने कि हम कैसे करें और कहाँ, हाँ, से ले रहे हैं, कैसे सही रहता है सब कुछ, जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा वो हम सब आपको बताएंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर आप भी अपना घर लेते हैं अपना, तो आपको भी मतलब एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्या चीजें होती है। तेरे पे गुस्सा पता क्यों आता है मेरे को? पूछ क्यों? क्योंकि रात को तेरे प्लान कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और होते हैं। रात सुबह इतने बजे उठेंगे, सुबह इतने बजे उठेंगे। मेरा प्लान यही था, मेट्रो को करवाएंगे। और भाई मैंने जब तेरे को उठाया उसके आधे घंटे बाद उठी थी, तो तूने मेरे को उठा के तू ऐसा सो गया बेबी। ऐसे नहीं होता यार, जिसने मैंने एक बार मेरा काम तो उठाना, मैंने उठा दिया ना, अब तू तू सोएगी तो मेरा गलती थोड़ी है, मैं भूल जाती हूं ना, दैट्स योर प्रॉब्लम ना। हां, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई वोंट फॉरगेट। सो चलो बनाओ। हमने फ्लैट खुद के पैसों से लिया है, अभी हम आपको बताएंगे नहीं कितने। घर बोल, फ्लैट मत बोल। जो हमने घर लिया है वो हमने 3 BHK है वो, एंड वो हमने अपने खुद के पैसों से लिया है, ठीक है, खुद की कमाई से लिया है। सो मतलब ठीक है, इतना भी मतलब बड़ा नहीं है, बट इतना बहुत अच्छा घर है, ये कह सकते हैं। हाँ। बहुत अच्छा, जैसा हम चाहते थे, जैसे हमारा मतलब था ड्रीम हाउस वैसा ही है। जो भी आप स्ट्रेचिंग करते हो ना, जो वर्कआउट के पहले की स्ट्रेचिंग होती है ना, वार्म अप की, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। स्टैटिक मतलब एक प्लेस पे, जगह एक प्लेस पे आप खड़े होके आप ऐसे कर रहे हो, ये मतलब थोड़ा बहुत करो, बट उसमें आप ज़्यादा मूव होने चाहिए, ताकि आपकी जो हार्ट बीट है वो प्रॉपर उस रेंज में आ जाए कि आप वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन जो वर्कआउट के बाद की होती है, जिसको हम कूल डाउन कहते हैं, उसमें ज़्यादातर आपको स्टैटिक मसल को स्ट्रेच करना है, ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में भी स्टैटिक, लास्ट में भी स्टैटिक, ठीक है, स्ट्रेचिंग भी करनी है स्टार्टिंग में, नो डाउट, बट ऐसे ही करनी है जिसमें आपकी बॉडी ज़्यादा मूव हो। मार मार के मुक्के तेरा मोर बना दूंगा, मार मार के मुक्के तेरा मोर बना दूंगा, दुनिया
ना बना फिर गणी तेज तना फिर तेरा भाई बड़ा भाड़ा सा इन सरकारी अधिकारियों के मैंने मुंह पे ला दिया ताड़ा रे पर साम दाम दंड बेते है ऊपर परिश्रम का बोड़ बाड़ा सा थमनी मेरा साथ दे रहो तेरा भाई पाड़ देगा चाड़ा रे एक जज्बाती ना होता मैं बिना काम किए कौन सोता मैं दिल और दिमाग रोज धोता मैं और महीने एक पेड़ बोता मैं दुनिया में चैंप एक लोता मैं असली हूँ पाऊ नाम खोटा मैं चल गया अरे सिक्का खोटा मैं चल बाज तक करू ना समझौता मैं अरे सच्ची तू तो मेरा पोता है बेटे बुंडी डाला तू पिट जेगा तेरे फायदे की बात करूं जो दस गिनने तक लिट जेगा मार मार के मुक्के तेरा मोर बना दूंगा मार मार के मुक्के तेरा मोर बना दूंगा मार मार के मुक्के तेरा मोर बना दूंगा मार मार के मुक्के तेरा मोर बना दूंगा। आप देख सकते हो सन्नाटा मेरे साथ है। सन्नाटा ये वर्कआउट नहीं करने देती जिम में, ये सन्नाटा फैला देती है पूरे, तो इसका नाम सन्नाटा रख दिया। मेरा नाम सन्नाटा नहीं, मेरा नाम है टाटा पटाका फूस पटाका। खींच के चलो। मैं तेरी जुंडिया पाड़ देनी है। होंठ रसीले तेरे होंठ रसीले, दिल करता है मिक्सी में ब्लेंड करके पीने। देखो दोस्तों, आपको ऐसा व्लॉग कहीं पे भी नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको वर्कआउट के साथ साथ मनोरंजन भी मिल रहा है। सो आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए यार, अब तो मतलब कि ऐसे बेइज्जती सी फील होती है। मतलब आप व्यू आते हैं काफ़ी लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है। सो मैं नहीं खेल रहा यार, छोड़ दूँ। मैं भी नहीं खेल रही यार, तू तो खेल। हम कॉफी पीने आए हैं बहुत दिन के बाद। आपको कैसा लग रहा है कॉफी पी के? बहुत टाइम बाद आया हूं। साथ में थोड़ा ये तो कम खाएगी क्योंकि इसका फैट लॉस चल रहा है, लेकिन मैं ये खाऊंगा और ये पीऊंगा। आर यू रेडी? और मेरा वो है टॉनिक। क्या मैंने कम लिया ना कॉफी? हां किचन है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब, जो भी मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, और ये ऊपर ओवन का स्पेस। हाँ, सो आपको जल्दी जल्दी मैं कवर कर देता हूँ। ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। सो इसमें आप एसी वेसी का सब दे रखा है, आप देख सकते हैं काफ़ी खुला है ये, बहुत खुला है। एंड ये वॉशरूम है, ये वॉशिंग एरिया। यस, एंड अभी आप दूसरा रूम भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये भी रूम है एक, ठीक है जी। ये भी काफ़ी खुला है, अभी काम वाम चल रहा है। ये वॉशरूम है, देख सकते हो एज इट इज मिलने वाला है हमको। एंड एक ये रूम है, ये थोड़ा सा छोटा है उनसे, बट ये भी मतलब काफी बहुत अच्छा स्पेस है। हम यहाँ पे टीवी भी लगा के, बढ़िया बेड भी लगा के। यस, ये हम एक फास्ट आपको दिखा रहे हैं, बाद में प्रॉपर बनाएंगे जब शिफ्ट होंगे। सो ये वॉशरूम है, देख सकते हो वॉशरूम में भी हम सो दिस। ये देखो, ये बालकनी है, ये ग्राउंड फ्लोर है हमारा। ग्राउंड फ्लोर हमने टॉप फ्लोर लिया है क्योंकि इसमें बालकनी बहुत बड़ी मिली हमको। सो ये सब देखा, ये देख सकते हो, ये भी है साथ में ही। और ये देख सकते हो आप अलेक्सा है इसमें पूरे घर में। और ये वॉल्स देख सकते हो, हम ये एज इट इज़ लेने वाले हैं वॉल्स, तो आप देख सकते हो। सबसे अच्छी मेरे को किचन लगी, किचन बहुत सही है। और हम यहाँ और भी देखे थे, मतलब ऐसे मिलते जुलते, बट इसकी किचन सबसे अच्छी लगी हमें। यस,
सो गाइज यही है, ठीक है, देख लिया आपने, बाकी आपको दिखाएंगे बहुत जल्दी। ओके गाइज, वी होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा एंड आपको हमारा घर भी अच्छा लगा होगा। सो डू कमेंट। यही सरप्राइज था जिसके चक्कर में बहुत लगे होते, बट अभी तो कुछ भी नहीं, जब हम इसमें सामान वाम बढ़िया लगाएंगे तब देखना। एग्जैक्टली, इंटीरियर से बहुत फर्क आएगा, ऐसे भी बहुत अच्छा है बट इंटीरियर से बहुत फर्क आएगा। एंड जब इंटीरियर वगैरह सब कम्प्लीट हो रहा होगा तब भी हम वीडियोज बनाएंगे आपके लिए। एंड जब कम्प्लीट हो जाएगा तब तो आपको पता चल जाएगा। पोजेशन इज लेट 2021 में, फेब या मार्च में होगा। सो और आप उसके बाद मतलब फरवरी में मार्च में उसके बाद जो भी ब्लॉग देखोगे आप आपको इसी घर में। एग्जैक्टली, अब सारे ब्लॉग इसी घर में होंगे। और रूफ, हमारे पास रूफ भी है। यस, हमारे पास रूफ राइट्स हैं। हम पूरा एक जिम बनाने वाले हैं, छोटा सा। हाँ, छोटा सा जिम बनाएंगे, थोड़ा सिटिंग एरिया बनाएंगे बढ़िया। एंड यस, आपको पता चल जाएगा जो भी हम करेंगे। सो ये था हमारा आज का दिन, हमारा ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही प्यार देते रहे। लव यू ऑल, लव यू, love you too।